नमस्कार दोस्तों, हिम टुडे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल में शिक्षकों की जो भर्ती आने वाली है उसकी जानकारी देंगे। कुल मिला के 819 पदों पे ये भर्ती होगी। इस वीडियो में आप सरकारी नोटिस यानी कि गवर्नमेंट का एक नोटिस देखोगे, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको हिमाचल से जुड़ी जरूरी खबरें, नौकरी और अन्य जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बात करेंगे शिक्षक भर्ती की। ये नोटिस है 31 जनवरी 2020 का, 31 जनवरी 2020 का ये नोटिस है। इसका सब्जेक्ट है, सबसे पहले बता दूं, ये नोटिस रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो ये जो नोटिस है इसका सब्जेक्ट है आपका रिगार्डिंग परमिशन फॉर फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट, और इन्होंने लिखा है WEF विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2020। इसी के बीच ये पोस्ट भरी जानी है। इसमें कौन सी वैकेंसीज होगी इसकी डिटेल इन्होंने बताई है। इसमें जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है इन्होंने ऑलरेडी बताया है कि इनके लिए अप्रूवल मिल चुका है हिमाचल गवर्नमेंट से। तो जो पोस्ट हैं वो JBT की 532 पोस्ट रहेंगी, लैंग्वेज टीचर की 35 पोस्ट रहेंगी, शास्त्री की 133 पोस्ट रहेंगी, TGT आर्ट्स की 104, TGT नॉन मेडिकल की 8, TGT मेडिकल की 7 पोस्ट रहेंगी। कुल मिला के 819 पोस्ट रहेंगी। HPSSC के थ्रू ये फिल की जाएगी। जैसा कि हम पहले भी बताते आए आपको, HPSSC नई नोटिफिकेशन जारी करेगा बहुत जल्द, उसमें हमें ये सभी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये वैकेंसीज अप्रैल तक या अप्रैल के बाद ही रिलीज होंगी, क्योंकि HPSSC की जो नोटिफिकेशन अभी जारी की गई थी उसके एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुए हैं। जब तक वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जाते हैं उसके बाद ही ये वैकेंसीज फिल की जाएंगी। तो कुल मिला के इसमें 819 पद होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी JBTs की आने वाली हैं, जो कि होते हैं जूनियर बेसिक टीचर। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन के सिग्नेचर है, इसलिए वेरीफाइड है और ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।